हेलो फ्रेंड्स 27 मई 2022 को ग्लेनमार्क फार्मा के क्वार्टर फोर के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दो रुपये पचास पैसे पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड कर दिया है अगर हम लोग इस डिविडेंड को इस शेयर की फेस वैल्यू जो एक प्रति इक्विटी शेयर है इससे कंपेयर करें तो ये डिविडेंड दो है लेकिन अगर हम लोग कल के क्लोजिंग का प्राइस जो लगभग तीन सौ रुपये पर इक्विटी शेयर है इससे इस, इस डिविडेंट को कंपेयर करें तो ये डिविडेंट 0.63 परसेंट है इस डिविडेंट की अप्रूवल आने वाले एजीएम में शेयर होल्डर से ली जाएगी ये इस कंपनी का कॉन्सॉलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर क्यूफोर में टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तीन करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये तीन करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फोर में ये दो करोड़ था तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5.57 परसेंट की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 4.86 परसेंट गिरा है क्वार्टर फोर में टोटल इनकम 3126 करोड़ है जो क्यू थ्री में ये तीन करोड़ था और प्रीवियस ईयर की क्यू में ये दो करोड़ था तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 9% परसेंट की बढ़त है लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 1.9% परसेंट गिरा है Q4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम तीन करोड़ है जो Q3 में ये 521 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्यू में ये 337 करोड़ था तो प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4.36 परसेंट की बढ़त है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 32.45 परसेंट गिरा है क्वार्टर फोर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम दो करोड़ है जो क्यू में ये तीन करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्यू में ये तीन करोड़ था तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20 परसेंट की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 21 परसेंट गिरा है तो क्वार्टर फोर के एक्सेप्शनल लॉस की वजह से इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी गिर गया है क्वार्टर फोर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट एक करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये दो करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्यूफोर में ये दो करोड़ के आसपास था तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 26 परसेंट की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 28 परसेंट गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट में 26 परसेंट की गिरावट की वजह एक्सेप्शनल आइटम ही है अगर एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें तो इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट नाइन बढ़ा है क्यू में अर्निंग पर शेयर पाँच रुपये इक्यावन पैसे है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये सात रुपये छियासी पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फोर में ये आठ रुपये उनतीस पैसे था तो अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 33.5 परसेंट की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 30 परसेंट गिरा है क्वार्टर फोर में इस कंपनी का एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन चार करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर यानी क्वार्टर थ्री में ये छः करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फोर में ये 523 करोड़ था तो अब देखिए एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11.47 परसेंट की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो एबिटा 33 परसेंट गिरा है और अगर हम लोग एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर फोर में एबिटा का मार्जिन 15.35 परसेंट है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 21.84 परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फोर में ये 18.30 परसेंट था तो आप ये भी देख लीजिए कि एबिटा का मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा गिरा है तो इस कंपनी के ऑपरेशनल मार्जिन या एबिटा के मार्जिन पर बहुत ज़्यादा दबाव दिख रहा है तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये गिरा है और इस कंपनी का पैट और ईपीएस तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा है और इस कंपनी का मार्जिन तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा गिरा है तो इस कंपनी का मार्जिन में भी अच्छा खासा दबाव दिख रहा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें बहुत बहुत धन्यवाद